नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप लोगों का। आप देख रहे हैं भारत एट नाइन। तो बीते लगभग दो हफ्तों से उड़ीसा इज ऑन फायर। जी हाँ, ये वो आजकल यू लुकिंग फायर या कोई अलग से कोई नई बात नहीं है। असलियत में बीते दो हफ्तों से उड़ीसा के सिमलीपाल नेशनल पार्क में आग लगी हुई है। सिमलीपाल फॉरेस्ट रेंज का 1/3 भाग, 21 में से 8 रेंज जलकर राख हो चुके हैं। लेकिन क्या आपने ये स्टोरी कहीं सुनी या देखी? जी नहीं, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है जब तक किसी मुद्दे पर पॉलिटिकल फायदा ना मिले, कोई क्यों ही ऐसे मुद्दे पर बात करेगा? कहां ही फिर नेशनल या इंटरनेशनल अटेंशन मिल पाता है? लोकल के कई लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत भी की थी कि जंगल जल रहे हैं, लेकिन कहां ही ये गाइडबुक बनकर अधिकारी बन जाते हैं। गाइडबुक पढ़कर जो अधिकारी बन गए, ये लोग ध्यान दे पाते हैं? यकीन करिए, अगर मीडिया ना हो और सच में जिन जिन जिलों कस्बों में मीडिया का स्ट्रिंगर भी अगर मौजूद नहीं है, तो वहां भ्रष्टाचार, माफियागिरी, यही सिस्टम है। अधिकारी खुद उसका हिस्सा हो जाते हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बायोस्फीयर में लगी आग भी यही तस्वीरें बयां करती है। क्योंकि अगर वहां के शाही परिवार की राजकुमारी ट्वीट ही ना करती, तो सब रात गई बात गई वाली बातें बनकर जीरो वॉट के बल्ब में आराम से सोते, जब बाहर जंगल में सब कुछ जल रहा है। ये तब भी सोते रहते। आप पहले पूरा मामला समझने के लिए इस रिपोर्ट को देख लीजिए। 15 दिन पहले ही इस बात की आहट हो गई थी कि सिमलीपाल के जंगल जल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वहां के प्रशासन से खूब शिकायत की, लेकिन किसी ने भी उनकी शिकायत की सुध नहीं ली। लेकिन मयूरभंज के शाही परिवार की राजकुमारी अक्षिता भंज देव के दो ट्वीट ने सोते अधिकारियों को जगाया। अक्षिता ने ट्वीट कर लिखा, मयूरभंज के जंगलों में पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से भीषण आग लगी हुई है। एक हफ्ते पहले यहाँ के जंगलों में 50 किलो हाथी दांत बरामद हुए थे। उससे पहले एक स्थानीय युवक ने यहाँ चल रहे खनन और लकड़ी माफियाओं के गैंग के बारे में पर्दाफाश किया था। राज्य के कुछ चैनलों को छोड़ दें तो कोई भी नेशनल मीडिया एशिया के दूसरे सबसे बड़े बायोस्फीयर में लगी आग को कवर नहीं कर रहा है। इसके साथ ही अक्षिता ने लिखा कि अगर आप पत्रकार हैं, फोटोग्राफर हैं या किसी भी मीडिया से संबंधित हैं, तो आप यहां कवरेज करने के लिए आमंत्रित हैं, जिसका रहने और खाने का खर्चा वो खुद उठाएंगे। उन्होंने ये ट्वीट 1 मार्च को किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आई और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर लिखा, सिमलीपाल के जंगलों में लगी आग के बारे में जानकर हैरान हूँ। मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से अपील करता हूँ कि वे इस ओर तुरंत ध्यान दें। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल बनता है कि जंगल में आग क्यों लगी? विशेषज्ञों की माने तो सिमलीपाल के जंगलों के एक बड़े हिस्से में औषधीय पौधों और अन्य देशी पेड़ों को काटकर यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए गए थे। वहीं यूकेलिप्टस के पेड़ों में आग आसानी से पकड़ लेती है, क्योंकि इसकी पत्तियों में अत्यधिक ज्वलनशील तेल पाया जाता है, जो आग को धधका सकते हैं। यूकेलिप्टस पेड़ के पत्ते भारी संख्या में नीचे बिखरे रहते हैं, जिसके कारण पेड़ों में आग लग जाती है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि उड़ीसा एनवायरमेंटल सोसाइटी के सचिव जय कृष्ण पाणिग्रही बताते हैं कि वन विभाग द्वारा देशी वृक्ष जैसे साल, महुली, आसन, करंज, अर्जुन, कटहल के स्थान पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाना गैर कानूनी है, और इसी वजह से आग इतनी भयावह स्थिति में फैल चुकी है। सिमलीपाल नेशनल पार्क महत्वपूर्ण क्यों है? सिमलीपाल का नाम सिमुल रेशम कपास के पेड़ से लिया गया है। ये पार्क 5,569 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस नेशनल पार्क में एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्र हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, गौर और चौसिंगा बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। 2009 में यूनेस्को ने सिमलीपाल को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट में शामिल किया था। उससे पहले 22 जून 1994 को भारत सरकार ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। तो जंगलों में गर्मियों के आते ही आग लगना बड़ा स्वाभाविक सा होता जा रहा है, और इसके पीछे की सबसे मुख्य वजह है क्लाइमेट चेंज। और आग लगने के कारण कैसे धीरे धीरे आसपास के इलाकों की हवा में जहर घुलता जा रहा है, ये भी गौर करने वाली बात है। साथ ही गौर करने वाली बात ये भी है कि अगर आग को लगे हुए हफ्ते बीत जाते हैं और सिस्टम मीन से भी नहीं जाग पाता, आग लगने से कितने ही जानवरों की मौत हो चुकी होती है, किस हद तक हवाओं में जहर घुल चुका होता है, उसके बाद सिस्टम जागता है। अब ऐसे में सवाल तो यह भी बनता है कि इस घनघोर लापरवाही से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आखिर कैसे और कौन करेगा? मतलब आप समझिए कि आपके पास के शहरों में हवा की गुणवत्ता को मापने के लिए कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन वहां पर था ही नहीं।
सिमलीपाल वन जंगल की आग इंडोनेशिया और कैलिफोर्निया में होने वाली वार्षिक घटनाओं के समान है। उत्तर और पूर्व में हवा चल रही है, इसलिए यह संभव है कि सिमलीपाल वाइल्ड फेयर से निकलने वाला धुआं उत्तर में जमशेदपुर या पूर्व में खड़गपुर में हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा होगा। दोनों शहर जंगल की आग के 100 किलोमीटर के दायरे में है, लेकिन इन शहरों में कोई भी रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं है। इन वन्य जीवों के सबसे करीब का स्टेशन आसनसोल और पास के जरा पोखर में है, जो लगभग 200 किलोमीटर दूर है। कोलकाता हावड़ा पूर्व में निकटतम कार स्टेशन है। हल्दिया में एक स्टेशन है, लेकिन शायद ही कभी उसने काम किया हो। स्थानीय स्तर पर होने वाली तबाही अपार है, लेकिन इस क्षेत्र के शहरों को आग से निकलने वाले धुएं के कारण संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के बारे में लोगों को आगाह करना चाहिए। दुर्भाग्य से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तरी तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर डिवीजन के किसी भी प्रमुख शहर या जिला मुख्यालय में वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता मॉनिटर नहीं है। वास्तव में कोलकाता और हैदराबाद, जो कि 1200 किलोमीटर की हवाई दूरी पर है, के बीच में केवल दो वास्तविक समय की वायु गुणवत्ता मॉनिटर मौजूद है। यह डार्क जोन उत्तर में सिंगरौली, वाराणसी और गया द्वारा चिन्हित है। जोरा पोखर आसनसोल कोलकाता और पूर्व में हल्दिया, जबलपुर, नागपुर और पश्चिम में चंद्रपुर, दक्षिण में हैदराबाद और विशाखापट्टनम है। इस क्षेत्र में मौजूद दो निगरानी स्टेशन उत्तर उड़ीसा के तलचर और ब्रजराज नगर में है। उत्तरी उड़ीसा घनी आबादी वाला है। इस क्षेत्र में मिलियन से अधिक आबादी वाले कम से कम 5 शहर हैं। रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, राउरकेला, बारंगल और करीमनगर स्मार्ट शहर हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR के आकार के 9-10 गुना क्षेत्र में सिर्फ 2 रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन है, जबकि NCR में 81 है। इसमें पूरे मामले में सरकार को सीधे सीधे दोष देने से बचूंगा, क्योंकि उनकी तो लीला ही अपरंपार है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कितने लाख लोग थे, इसको दिखाने के लिए ड्रोन और पता नहीं किस किस अजीबोगरीब तरह के कैमरे लगाए गए थे। और उड़ीसा में जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीर वो बाहर वाला वो नासा शेयर कर रहा है। हद है, गजब भी है, लेकिन लोगों को भी बदलना होगा। आप अगर इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेंगे कि फलानी पार्टी के नेता के हम फैन हैं, फलानी के नहीं है, देखिए नेता का कभी भी फैन मत बनिए। नेता के फैन बन जाएंगे तो आपको उनका सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। नेता को पसंद करिए, कभी तारीफ तो कभी आलोचना भी करिए, सीखिए इस चीज को। वरना ऐसे ही एक दिन आग आपके मोहल्ले में होगी और गलियों में चिल्ला रहे होंगे हमारा नेता कैसा हो। चलिए अच्छा ही हो तो बढ़िया है, बाकी ठीक है, बाकी क्या बताएं आपको कि अच्छा ही हो, बढ़िया है, अच्छी बात है, बाकी तो सब भोलेनाथ है। लेकिन उड़ीसा के सिमलीपाल जंगल की तस्वीरें बहुत भयावह हैं। सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी इस पर और ज़्यादा मजबूती से काम करें, क्योंकि मेरा उड़ीसा जल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कल महाशिवरात्रि है, उसके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।